हेलो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज आप कैसे करेंगे। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तीनों ही टेंस चार प्रकार से होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर भी इसी प्रकार से चार प्रकार से होते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने सीखा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान जो चल रहा है, जो हम कार्य वर्तमान में करते हैं, यानी कि अभी कर रहे हैं, हो रहा है या करते हैं। पास्ट हमारे लिए भूतकाल का संकेत लेके आता है कि भूतकाल में क्या हुआ, हो गया, यानी कि पास्ट बीती हुई बातों के लिए पास्ट। फ्यूचर आने वाले समय के लिए, फ्यूचर आने वाले समय के लिए। इसी प्रकार से प्रेजेंट कि जो भी सेंटेंस हम राइट करेंगे या स्पीक करेंगे, उसमें हिंदी सेंटेंस में लास्ट में है होना चाहिए। प्रेजेंट वाले क्या होना चाहिए, है। और फ्यूचर में, फ्यूचर के सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में गा गे गी होना चाहिए। तो ये अपन पहचान करते हैं। पास्ट वाले में जो हिंदी सेंटेंस होते हैं, उसमें या तो आ ई ए का भाव रहेगा, यानी कि बोलने का संकेत, या था, थी, थे, तो पास्ट में माने जाएंगे। तो आपने देखा कि हिंदी के सेंटेंस में प्रेजेंट की पहचान कैसे करेंगे, है होना चाहिए लास्ट। और फ्यूचर में, हिंदी सेंटेंस में गा गे गी होना चाहिए। इसी प्रकार से हम आगे सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। फॉर्मूलों को सीख के ही हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, वो हम अगले लेसन में सीखेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं, सी यू अगेन अगले लेसन के लिए।